तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRJ कंस्ट्रक्शन में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं एक फुट में कितनी ईंटें लगती हैं, एक फुट में कितने नंबर ऑफ ब्रिक होते हैं। अगर आपको पता हो कि एक फुट में कितनी ईंटें लगती हैं, तो आप बड़े ही आसानी से छोटी जगह और बड़ी से बड़ी जगह की ईंटों का हिसाब लगा सकते हैं। तो हम सोचते हैं कि इस छोटी जगह पर कितनी ईंट लगेंगी, कहीं ज़्यादा ना आ जाएँ, कहीं कम ना पड़ जाएँ। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना है। दोस्तों, मैं आपको सीधे सीधे ही बता सकता हूँ कि एक फुट में कितनी ईंटें लगने वाली हैं, मगर आप डिटेल में जानेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आप दूसरे को भी समझा सकते हैं। तो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाने वाला हूँ। हम पहले 4 इंच की बॉल का हिसाब लगाते हैं, फिर इसके बाद में 9 इंच का हिसाब लगाएंगे, जो कि बड़ी आसानी से फिर लग जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दें अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो। वैसे नॉर्मली जो साइज़ का ईंट का होता है वो लंबाई 9 इंच होती है, मोटाई 3 इंच होती है और चौड़ाई 4 इंच या 4.25 इंच ऐसे होती है। अगर हम इस ईंट को देखें तो इसकी लंबाई 8.25 इंच है और चौड़ाई अगर देखें तो चौड़ाई 4.25 इंच है और इसी तरह इसकी मोटाई भी कम है। तो इसी तरह से साइज़ अलग अलग होते हैं ईंटों के, मगर हम 9 इंच, 4.5 इंच और 3 इंच की मान के चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईंट का जो है स्क्वायर इंच में निकाल लेंगे। ईंट का जो नाप है उसको स्क्वायर इंच में निकाल लेते हैं, यानी कि 9 को गुणा करेंगे 3 से तो 27 इंच हो जाता है। क्योंकि हमने ईंट को स्क्वायर इंच में कर लिया है अब, तो जो कि हमें एक फुट का हिसाब निकालना है, तो हमें फुट को भी स्क्वायर इंच में करना होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि एक फुट में 12 इंच होते हैं, तो स्क्वायर इंच में करने के लिए हमें 12 से 12 को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी गुणा कर देना है। 12 से 12 को मल्टीप्लाई करने पर 144 स्क्वायर आ जाता है। तो एक फुट में स्क्वायर एरिया हुआ 144 स्क्वायर इंच और एक ईंट का स्क्वायर एरिया हुआ 27 इंच स्क्वायर इंच। तो हमें 144 को 27 से डिवाइड करना है। तो 144 को 27 से डिवाइड करें तो आएगा 5.333 नंबर ऑफ ब्रिक आएगा इसका, 5.25 इंच से ज़्यादा मान लेते हैं। अगर नॉर्मल लोकल भाषा में अगर हम कहें तो 5.25 इंच के आसपास लगने वाली है, मगर नंबर में अगर हम देखेंगे तो 5.33 आएगी। अगर लोकल भाषा में हम समझें तो 5.25 इंच के थोड़ा ज़्यादा आती है ये। तो एक फुट में जो नंबर आया है वो 5.33। तो हमने क्या करना है, इसको 100 से जैसे ही हम मतलब गुणा करते हैं, अगर हमें 100 फुट का निकालना है, जैसे 10 फुट की लंबी दीवार होती है और 10 फुट की ऊंची होती है तो 100 फुट होती है, तो अगर हम उसका निकालें 100 फुट का तो कितना आएगा, 100 से इसको गुणा कर देंगे तो 533 ईंट लगेंगी 100 फुट में। इस तरीके से इसको निकाला जाता है। और अगर 9 इंच की बात करें तो 9 इंच का हिसाब निकालने के लिए ईंट के साइज़ को क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे 9 इंच होती है लंबाई और 4.5 इंच चौड़ाई होती है, गुणा उसकी हाइट जो होती है मोटाई वो 3 इंच होती है, तो उसको हमको तीनों को गुणा करना होगा। तो 121.5 आता है, जो कि फुट का स्क्वायर इंच है 144, जो कि हमने पहले भी जाना। तो हमें इसे क्या करना होगा, क्यूबिक इंच में करना होगा, जो कि हमने जाना था फुट का स्क्वायर इंच कितना होता है, 144 होता है। तो हमें क्यूबिक इंच में इसको करना होगा, क्योंकि दीवार भी हमारी मोटाई जो है 9 इंच है। तो हमें इसको 144 को क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 1296 क्यूबिक इंच आ जाएगा, 1296। तो हमारा जो एक फुट का जो क्यूबिक इंच आया वो आया 1296, और जो हमारा एक ईंट का वॉल्यूम है वो 121.5 है। तो अब हमें 1296 को डिवाइड करना है 121.5 से, तो आंसर क्या आता है, 10.66 नंबर ऑफ ब्रिक यहाँ आएगा।
तो अब अगर हम एक बात समझ लेते हैं कि ये नंबर है जो हमने निकाला है अभी, तो ये नंबर है क्योंकि हमारा यहाँ 10.5 ईंट से ज़्यादा लगने वाली हैं, 10.5 ईंट से ज़्यादा लगने वाली हैं। तो अगर हम नंबर तो ऐसे निकाल लेंगे, मगर हम जब ले कर आएँगे ख़रीद के, तो हमें 11 ईंट का हिसाब लगा के ले कर आना होगा, क्योंकि हम अगर 10.5 का हिसाब लगाएंगे तो ईंट कम पड़ जाएगी। अगर हम 100 फिट 9 इंच की दीवार देखें, 100 फिट की दीवार 9 इंच में देखें, तो 1066 ईंट लगने वाली हैं, यानी कि अगर आप 1100 ईंट ले कर आते हैं तो उसमें कुछ ईंटें बच जाएंगी। तो ये कैलकुलेशन हमारा एक साइज के हिसाब से है। आपकी ईंट पतली छोटी या मोटी ईंट हो सकती है, साइज की अलग हो सकती है, उसकी वजह से आपका थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो जैसे 4 इंच की दीवार में हमने कैलकुलेशन किया था कि 100 फुट में हमारी लग रही है 533 ईंट, तो हमने उसी को अगर दोगुना कर देते हैं हम, तो कितनी लगेंगी, 1066, यानी 9 इंच की दीवार में 1066 ईंट लगेंगी। तो ऐसे भी दोगुना कर सकते हैं 4 इंच के हिसाब से, और उस तरीके से भी निकाल सकते हैं जैसे हमने बताया। तो हमने आपको दोनों तरीके से समझाया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। तो वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।